और खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर लखनऊ से है, जहां पर फिजी के डिप्टी सीएम, आपको जानकारी दे दें कि डिप्टी पीएम ने सीएम से मुलाकात की है। डिप्टी पीएम बिजमान प्रसाद ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। सीएम आवास पर मिले फिजी के डिप्टी पीएम बिजमान प्रसाद। तो फिजी के डिप्टी पीएम बिजमान प्रसाद ने सीएम योगी आदित्यनाथ से ही मुलाकात की है। ये मुलाकात की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। डिप्टी पीएम बिजमान प्रसाद ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। सीएम आवास पर मिले फिजी के डिप्टी पीएम बिजमान प्रसाद और ये मुलाकात की तस्वीर आपके साथ साझा कर रहे हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये मुख्यमंत्री आवास की तस्वीर है, जहाँ पर फिजी के डिप्टी पीएम बिजमान प्रसाद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और उनके साथ उनका जो प्रतिनिधि मंडल है वो भी कहीं ना कहीं इसमें साथ दिख रहा है। ये तस्वीर आप देखिए, ये सीएम योगी आदित्यनाथ और फिजी के डिप्टी पीएम की ये तस्वीर। तो फिजी के डिप्टी पीएम बिजमान प्रसाद ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है, क्योंकि जिस प्रकार से अगर हम बात कर ले तो यूपी का जो विकास है वो बहुत तेजी से हो रहा है और यूपी जो है वो देश की विकास का ग्रोथ इंजन बन रहा है। और लगातार अगर हम बात यूपी की कर ले तो यूपी में किस प्रकार से लगातार इन्वेस्टमेंट की बात कर ले, लगातार बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे किस प्रकार से मजबूती दिया जा रहा है, जिससे कि यूपी का जो मान है वो बढ़ रहा है। और फिजी के जो डिप्टी पीएम है उन्होंने मुलाकात की सीएम योगी आदित्यनाथ से मुख्यमंत्री आवास पर, उन्होंने ये मुलाकात की है। ये तस्वीर मुलाकात की आपको दिखा रहे हैं। डिप्टी पीएम बिजमान प्रसाद ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है और ये मुलाकात सीएम आवास पर हुई है। ये आप तस्वीर देख सकते हैं कि उनके साथ उनका जो प्रतिनिधि मंडल है वो भी भारत आया हुआ है और उन्होंने अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। ये शिष्टाचार मुलाकात और इस मुलाकात के दौरान दोनों ही नेताओं के बीच में बातचीत भी हुई है। कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर बातचीत हुई है इस मुलाकात के दौरान। ये आप तस्वीर देख सकते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ से डिप्टी पीएम, जो फिजी के डिप्टी पीएम हैं, उन्होंने मुलाकात की है और सीएम आवास पर ये मुलाकात हुई है। फिजी के डिप्टी पीएम ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है और हमारे साथ हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी जी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। एसके वाजपेयी जी, आज डिप्टी पीएम ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है, इस मुलाकात के क्या मायने, क्या संदेश? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार विभिन्न देशों के जो प्रतिनिधि हैं उनके साथ मुलाकात करते रहते हैं और आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फिजी के जो उप प्रधानमंत्री हैं उन्होंने मुलाकात की। हालांकि ये मुलाकात पांच कालिदास मार्ग मुख्यमंत्री आवास पर हुई है। इस मुलाकात के कई मायने हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार निवेश को लेकर काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में किस तरीके से जो धार्मिक पर्यटन है, जो इको टूरिज्म है, उसके अलावा जो उत्तर प्रदेश में अलग अलग तरीके के टूरिज्म की संभावनाएं हैं, उसके लिए दूसरे देशों के प्रतिनिधियों को कैसे जानकारी दी जाए, उनको बताया जाए कि उत्तर प्रदेश में क्या क्या कुछ संभावनाएं हैं, किस किस क्षेत्र में वो निवेश कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश कैसे जो विकास है वो कहीं ना कहीं विश्व स्तर पर जो विकास है उसमें सहयोग कर सकता है, खास तौर पर जो उत्तर प्रदेश के एमएसएमई प्रोडक्ट्स हैं वो कैसे विश्व पटल पर पहुंच सकते हैं, उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। तो ये मुलाकात निश्चित तौर पर फिजी के साथ उत्तर प्रदेश के संबंधों को कहीं ना कहीं मजबूत करेगी। लगातार जहां मुख्यमंत्री जो प्रतिनिधि विभिन्न देशों से उत्तर प्रदेश पहुंचते हैं उनसे मुलाकात करते हैं, उनको उत्तर प्रदेश की जो संभावनाएं हैं उसके बारे में जानकारी देते हैं, उत्तर प्रदेश की जो निवेश नीति है उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाहर से आने वाले प्रतिनिधियों को बताते हैं। कुछ इसी तरीके की बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फिजी के जो उप प्रधानमंत्री हैं उनके साथ हुई हैं। तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश जहां लगातार कोशिश कर रहा है कि उत्तर प्रदेश के प्रोडक्ट को ग्लोबलाइज किया जाए, जो निवेशक हैं वो दूसरे देश से उत्तर प्रदेश कैसे आए, कैसे भारत में बेहतर डेस्टिनेशन उत्तर प्रदेश बने अगर कोई निवेशक उत्तर प्रदेश में निवेश करना चाहता है, क्योंकि बड़े पैमाने पर जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो अपना कारोबार चाइना से समेट रही हैं, तो वो दूसरे देशों में जाने के बजाय भारत आए और भारत में वो बेहतर
डेस्टिनेशन उत्तर प्रदेश हो, कहीं ना कहीं उसको लेकर काम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यह मुलाकात उस अगर हम मायने में देखेंगे तो काफी अहम है, और इसके जरिए से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक मैसेज भी देने की कोशिश की है, और इस मैसेज के जरिए कहीं ना कहीं एक संदेश भी है कि उत्तर प्रदेश आपके लिए हर सुविधा सुरक्षा और जो उत्तर प्रदेश सरकार की सब्सिडीज हैं वो देने के लिए तैयार है। चाहे आप टूरिज्म के लिए उत्तर प्रदेश आए, चाहे आप उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए आए, तो न केवल आपको मूलभूत सुविधाएं दी जाएंगी बल्कि उत्तर प्रदेश की औद्योगिक विकास नीति के तहत जो चीजें जरूरी हैं, जो भी उत्तर प्रदेश सरकार चीजें कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश आने वाले जो अतिथि हैं उनके लिए कर रही, वो सभी सुविधाएं उनको उपलब्ध कराई जाएंगी। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस मुलाकात के जरिए ये संदेश देने की कोशिश। जी जी, और एसके वाजपेयी जी, इससे जो एक लक्ष्य रखा गया है यूपी की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, ₹1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का, उस लक्ष्य को प्राप्त करने में ये मुलाकात कितना सहायक साबित होगा? बिल्कुल, अगर हम देखें तो जब अभी उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई थी उस दौरान करीब 40 लाख करोड़ रुपए के जो निवेश प्रस्ताव हैं वो उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुए थे। हालांकि 19 फरवरी को उत्तर प्रदेश सरकार अपना ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आयोजन करने जा रही है, जो कि काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसके जरिए से उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि जो निवेश के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार को मिले हैं उनको जमीन पर उतारा जाए, धरातल स्तर पर उन पर काम किया जाए, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी को करना है। तो कहीं ना कहीं उससे पहले इस तरीके के दौरे काफी महत्वपूर्ण। हालांकि अगर हम उत्तर प्रदेश की इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो जहां पहले उत्तर प्रदेश का एमएसएमई डिपार्टमेंट का जो एक्सपोर्टेशन था वो 86,000 करोड़ रुपए का हुआ करता था 2017 तक, आज की डेट में करीब 2 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्टेशन उत्तर प्रदेश से होता है। तो सीधे तौर पर अगर हम देखें जो उत्तर प्रदेश सरकार अपने बजट को लगातार बढ़ा रही है, अगर 2017 के बजट को देखेंगे तो उस समय 3,50,000 करोड़ रुपए का बजट था, इस बार का जो बजट उत्तर प्रदेश सरकार ने पेश किया वो 7,26,000 करोड़ से ज्यादा का है। तो कहीं ना कहीं ये जो लगातार उत्तर प्रदेश अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को आगे बढ़ा रहा है, देश के दूसरे सबसे बड़े अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित हो रहा है, तो जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चल रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें ये काफी अहम भूमिका निभाएगा। यही एक वजह है कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो बिल्कुल इसके वाजपेयी जी, और लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ इस दिशा में काम भी कर रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास लौटते हैं।